विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल इवॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? इन चारों ऑप्शंस में किसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी? तो बेसिकली एसिड बेस रिएक्शंस है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, तो एसिड बेस जो रिएक्शंस होते हैं उसमें कितनी हीट रिलीज होती है? -57.1 किलो जूल के आसपास बोल रहे हैं। इनमें से कौन मैक्सिमम हीट रिलीज करेगा? सी, इतना तो चारों ही रिलीज तीनों ही रिलीज करेंगे -57.1, बट थोड़ी ज्यादा किसमें रिलीज होगी? HF में, HF और NaOH जब रिएक्ट करेंगे। Why so? अब HF में क्या होता है, ये जो F- है इसमें, F- का क्या होता है, बहुत ही छोटा साइज होता है, स्मॉल साइज होता है F-, तो उस वजह से क्या होता है, इसका जो सॉल्वेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन। तो इस हाइड्रेशन या सॉल्वेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है वो काफी हाई होती है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। तो अगर वो एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो न्यूट्रलाइजेशन में ऐड हो जाएगी, यानी इन दोनों के कंपैरिजन में HF और NaOH की जो एनर्जी है रिलीज वो मैक्सिमम होती है। क्यों? इसके हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से। और वो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसका साइज स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1।